FR का पेपर होता है, बच्चे बाहर निकलते हैं और हमेशा एक ही कंप्लेंट करते हैं, सर पेपर बहुत लेंदी था, पूरा नहीं हुआ। हर बच्चे को यही शिकायत है। हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अगर हम ध्यान रखें तो हम 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो पेपर नहीं कर पाते, हर एक ने इन चीज़ों को मिस किया हुआ होता है, तो इन चीज़ों को जरा ध्यान से देख लो। अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान दे दिया तो आप अपने 100% पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। पहली चीज, जो आपके पास पहले 15 मिनट होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छी तरह यूज़ करना। इस समय में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, किस में कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं होता, सिर्फ ये देख लेना कि कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है, कौन सी रिक्वायरमेंट है कि आपको आता है या नहीं आता, और उसे मार्क कर लेना। सेकेंड चीज, कोशिश करना जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं और जो क्वेश्चन छोटे होते हैं उन्हें पहले करना। जैसे अगर आपको पता हो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पेपर में, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पहले इनको बिल्ड कर लो। क्योंकि देखिए, जब आप पेपर शुरू करते हैं ना तो आपकी स्पीड उतनी नहीं होती, तो जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे आपका पेस बनना शुरू होगा, फिर उस पेस को धीरे 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 करते हुए बढ़ाते चलो और मेंटेन करते चलो। तो एक बार आपने छोटे क्वेश्चन कर दिए तो उसके बाद आप चाहो तो मिड में ही, जैसे 1-1.5 घंटा हो गया, तब बड़े क्वेश्चन शुरू कर लो, नहीं तो लास्ट में शुरू कर लेना। क्यों? क्योंकि जैसे अगर इंडेस 110, इंडेस 103 के अगर क्वेश्चन आते हैं, एक बार अगर आप वहां पे अटक गए तो भैया वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, कम से कम 40 मिनट खा जाता है, तो इसीलिए उसको उस समय अटेम्प्ट करना, या तो पेपर के फैग एंड पे या मिड में, ठीक है। इसके अलावा बहुत बार बच्चों के साथ तकलीफ क्या होती है, बच्चा ये कहता है कि सर मुझे क्वेश्चन आता था, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह करने की कोशिश करी। अरे भाई, आपका 100 नंबर का पेपर है, 180 मिनट है, एक नंबर के लिए मुश्किल से 1.8 मिनट है, इसको ध्यान में रखना। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना तो 18 मिनट ही अवेलेबल है, 18 मिनट में सॉल्व करना है तो करना है, उससे दिल नहीं लगा सकते, दिल लगाया तो पेपर छूट जाएगा। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो जहाँ जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो कर लो, जैसे PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा, उसके बाद PPE यूज़ कर लो ना शॉर्ट फॉर्म्स, किसने रोका है। इसके अलावा अकाउंट में लाइनें खींचने के लिए स्केल से भैया मत बैठना, फाइनल का पेपर है, इंटर का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी टेबल यूज़ कर सकते हो, एनुइटी फैक्टर यूज़ कर सकते हो, कर लो, पूरी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है याद रखना। प्लस कुछ छोटी छोटी चीज़ें और याद रखना, वैसे तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, नया क्वेश्चन नए पेज पे शुरू होगा, किसी भी क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सिक्यूटिव पार्ट है कंटिन्यूस फ्लो में चलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, आप श्योर शॉट अपने पेपर को 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। दोस्तों, जय श्री श्याम एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।